दौसा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत लोहार बस्ती लाल सोट रोड पर गाड़िया लोहार के बच्चों को वस्त्र वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गाड़िया लोहार के 20 से 25 बच्चों को वस्त्र विस्तृत किए गए। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सेवा काल में विभिन्न योजनाएं चलाकर गरीब कल्याण के अंतर्गत 10 को गरीब वंचित पिछड़ी लोग जिनके सर पर छत नहीं थी वो अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी तक का इंतजाम नहीं कर पाते थे, ऐसी जगह रहने को विवश थे जहां उन्हें गंभीर बीमारियों घर करती थी। ऐसे व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई योजनाओं का हमारे गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है। दौसा में भी भाजपा शासन के समय 100 से अधिक गाड़ियां लोहार परिवारों को निःशुल्क जमीन व आवासीय योजना में पट्टे वितरित किए। इस अवसर पर महिला मोर्चे की लक्ष्मी दीक्षित, सरोज मीना, सुमित्रा चौधरी, कलावती गुप्ता, शशि जोशी, शशि जैमिनी, गुड्डी देवी, सुमन चंदा, नीतू बबली, राखी आदि आने को महिलाएं उपस्थित थी। जयंती के अवसर पर सांगानेर के दतिया नामक स्थान पर हो रहा है। इस राजस्थान की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक बहुत बड़ी परिवर्तन आम सभा, इसका आयोजन भारतीय जनता पार्टी चारों यात्राओं के समागम के रूप में कर रही है। उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजस्थान के आम कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे और राजस्थान के अंदर ये जो भ्रष्ट सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए और राजस्थान में सुशासन वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगामी 2023 के चुनाव में स्थापित करने के लिए आह्वान करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई। राजस्थान के अंदर कांग्रेस का जो जंगल राज है, कुशासन है, भ्रष्टाचार है, आम जन कांग्रेस के कारण से त्रस्त है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 वर्ष से निरंतर रूप से सक्रिय और उग्र आंदोलन करती आ रही है, जिसके तहत जन आक्रोश यात्राएं, जन आक्रोश घेराव और अभी राजस्थान के 4 स्थानों से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली गई।